हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग एक जबरदस्त सा मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और एडवांस 2020 का ही क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट ईयर पूछा गया था, है ना। और ये क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भीतर में आपको सर्कुलर मोशन ही पूछा गया है, इस क्वेश्चन के भीतर में आपको प्रोजेक्टाइल भी पूछा गया है, इस क्वेश्चन के भीतर में आपको SHM भी पूछा गया है और इस क्वेश्चन के भीतर में रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आपसे जानने का कोशिश किया है, जो क्वेश्चन सेट किया है। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। उस क्वेश्चन के भीतर में देखते हैं क्या पूछा था, क्या अप्लाई करना था, कैसे सोचना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी अच्छे से बिल्ड हो जाए, ताकि आप और अच्छे से पढ़ो और ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है उसको बेधड़क आप जवाब दो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे, हर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वहां पे लिस्ट टू जो आंसर दिया हुआ है आपको मिलान करना है। इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, तो हर क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीज हम ऑप्शंस भी दे दिए हैं और लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो है सो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ए एंड बी आर मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्किल्स ऑफ रेडियस 1 meter with the uniform angular speed omega बराबर 1 radian per second. Initial angular position of A and B at time t is equal to 0, theta बराबर 0 था, theta बराबर pi by 2 था, तो आपको बताना है कि उसका relative velocity क्या होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि लिस्ट वन जो है सो डिस्क्राइब कर रहा है 4 systems को विद 2 points A एंड B में। हर क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 point होंगे A और B इन रिलेटिव मोशन एज सोन इन द फिगर। लिस्ट टू गिव्स द पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एट द टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 second. टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 second पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा ए और बी का। याद रखना है टी इज इक्वल टू कितना पर पूछा है, पाई बाई 3 पर पूछा है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए, यहाँ पे हम वो चीज छूट गया है लिखना, t इज इक्वल टू पाई बाई 3 second. t इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 3 second पे हमें सारा कुछ जजमेंट लेना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है A एंड B आर मूविंग ऑन, A और B क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल पे रेडियस जिसका 1 meter है। तो ये क्या मूव कर रहा है, ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल सर्किल है जिसका ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे और क्वेश्चन में क्या दिया है, A एंड B आर मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 1 विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा क्या है, दोनों का सेम है भैया, ओमेगा जो है सो सेम है दोनों के लिए, ठीक है। ओमेगा सेम है मतलब v इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा r होता है, r भी दोनों पॉइंट के लिए सेम होगा, ओमेगा भी सेम है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम सेम ही होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अब इनिशियल एंगुलर पोजिशन ऑफ ए और बी एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये गिवेन है, टी बराबर जीरो पर ए कहाँ था, थीटा बराबर जीरो पे टहल रहा था, ए कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ था, और बी कहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था सर, ठीक है, ए यहाँ बैठा हुआ था, बी यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। अब हमको बताना है टी इज इक्वल टू पाई बाई 3 second पर जो वेलोसिटी होगा, तो उन दोनों के वेलोसिटी का बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। अब देखो, आप एक चीज सोचो, t इज इक्वल टू पाई बाई 3 second है, कुछ भी टाइम है, कुछ भी टाइम है, क्या इन दोनों का वेलोसिटी ओमेगा डिफरेंट है क्या, तो ओमेगा डिफरेंट नहीं है, तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये बॉडी और ये बॉडी, ए जो पार्टिकल है वो बी पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। डिस्टेंस कैसे मेंटेन करके चलेगा, डिस्टेंस आप कैसे मेंटेन करके चलेगा, आप ऐसा देख सकते हैं कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी ढंग से हम लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू हो सकता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब अल्फा क्या है हमारा, जीरो है। अल्फा क्या है हमारा, जीरो है। तो थीटा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, थीटा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा रिलेटिव कितना हो रहा है, रिलेटिव ओमेगा कितना हो रहा है, रिलेटिव ओमेगा आपका आ रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वो तो जीरो आ रहा है। तो थीटा रिलेटिव कितना हो जाएगा, थीटा रिलेटिव क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई इसमें सेपरेशन नहीं होगा। अगर शुरू का जो आपका, शुरू का जो थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बाद का भी थीटा क्या होगा, वही 90 डिग्री पर ही मेंटेन रहेगा। किसी भी पॉइंट पे थीटा जो है, सो आपका दोनों के बीच का जो थीटा है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, सो कहीं यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री टाइम पे, लेट अस सपोज यहाँ पहुंचता है, तो ये वाला पार्टिकल, बी वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, कुछ इसी से 90 डिग्री मिलाकर ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ में आ रही है आपको। अब देखिए कि क्वेश्चन में कहता है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए जब टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री हो रहा है। तो टी इज इक्वल टू पाई बाई थ्री होगा तो यहाँ पे आप पहले केस में आप देखिए तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा आर का वैल्यू 1 होगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और इसका इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे जोड़ सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी तो सिंपल होगा, इतने में से इसको माइनस कर दूं। तो इस अब वी रिलेटिव कितना होता है, वी ए बी जो होता है, सो वी ए माइनस वी बी होता है ना। ए का वेलोसिटी बी के रिलेटिव, ए का वेलोसिटी वी के रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिलेटिव में निकालना है, तो वी ए में से हमको वी बी को माइनस करना होता है। तो अगर हमको निकालना है किसी का, किसी के रेस्पेक्ट में निकालो, दोनों सेम ही आएगा आपका। 1 मीटर पर सेकेंड आया है, इसका 1 मीटर पर सेकेंड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब दोनों क्या है, हमेशा 90 डिग्री बना के ही चलेगा, तो इसका मतलब है कि इसका दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो 1 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा है और 1 1 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा है, तो आपको इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिएगा तो कितना हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, √2 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एस हो जाएगा, एस। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर एस कौन कौन सा में है, तो बी और सी में फर्स्ट का आंसर एस दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर एस दिया हुआ है, तो ए कैंसिल हो गया, डी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस ढंग से मैच द कॉलम क्वेश्चन में इसी ढंग का अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मैच द कॉलम में कि जिसमें कि आप कोई भी एक क्वेश्चन को भी ढंग से अच्छे से कर लेते हो तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, दो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। अब हमें एक ही क्वेश्चन कोई करूंगा, हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पे देखो सेकंड का टी दिया है और नीचे में भी सेकंड का टी दिया है, तो अगर मान लो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं चेक करूं मैं, नहीं यहाँ पे सेकंड का पी दिया है, सेकंड का टी दिया है, तो आपको चेक कर लो, सेकंड को चेक करोगे आपका आंसर पहुंच जाएगा। तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर फायर्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड 5 पाई बाई √2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज लार्ज एनफ सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बनाना है, ए पॉइंट है आपका, यहाँ पे बी पॉइंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, यहाँ पे एक वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 5 पाई बाई √2 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री के एंगल पे फायर किया गया है, और यहाँ से भी किया गया है 5 पाई बाई √2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 45 डिग्री के एंगल पर ही फायर किया गया है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको ये चीज ध्यान देना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो 5 बाई √2 इंटू 1 बाई √2, मतलब 5 पाई बाई
क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका वाई डायरेक्शन में भी 5 पाई बाई 2 हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है भाई, 5 पाई बाई 2 ही वेलोसिटी होगा। अब ये टी इज इक्वल टू जीरो पे ही इसको छोड़ा गया है, इसको जो छोड़ा गया है, सो टी इज इक्वल टू कहाँ पे छोड़ा गया है, जीरो पे छोड़ा गया है। लेकिन इसको कब फायर किया गया है, इसे जो फायर किया गया है, सो टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट कुछ दिया है क्वेश्चन में, टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे फायर किया गया है, टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे फायर किया गया है। तो जैसे ही आप ए को फायर करते हैं तो टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड पे इस ए का वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा इसको बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब ए वाला जो पॉइंट है तो इसका आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल का जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो अनचेंज्ड होता है। तो एक्स डायरेक्शन का जो इसका वेलोसिटी था कितना, 5 पाई बाई 2 था, है ना, ये अनचेंज रहेगा, इतना ही रहेगा सदा के लिए। ठीक है, जब तक ये कोलाइड नीचे नहीं कर जाता है जमीन पर, तो कोलिजन हम लोग ले नहीं रहे, क्वेश्चन में बोल भी नहीं रहा है कोलिजन का कंसेप्ट यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ब्ला 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 यहाँ दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज लार्ज एनफ सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। ठीक है, कोलिजन केस नहीं लेना है, बस इसका एक्स डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी हो गया। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5 पाई बाई 2 था, तो 0.1 सेकेंड पर वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस ए टी होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना, 5 पाई बाई 2 है ना, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ तो माइनस 10, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 बाई 10 है, 0.1 है, टाइम कितना है, 0.1 है ना, तो ये कितना हो गया, 5 पाई बाई 2 माइनस 1, 5 पाई बाई 2 बड़ा है किससे, 1 से, इसका मतलब इसका जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा सो इसका वैल्यू होगा 5 पाई बाई 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये बॉडी जो है सो ऊपर पहुंच चुका होगा, समझ गए बात। अब 0.1 सेकेंड पे ही क्या हो गया, ये फायर किया गया, किसको फायर किया गया है, किसको फायर किया गया सर, इस वाले जो प्रोजेक्टाइल है इसको थोड़ा टाइम लेके फायर किए हैं, 1/10 सेकेंड पे फायर किया गया। ठीक है, जैसे ही इसको फायर करते हैं तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी, इसका एक वेलोसिटी इधर होगा, इधर कितना होगा भाई, 5/2 होगा वेलोसिटी। ठीक है, और आपका एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा, ये भी होगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, समझ गए बात। तो अब देखिए कि अब ये क्या है, ये भी हवा में है और ये भी हवा में है, दोनों क्या है, अब हवा खा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल दोनों अब एडियल रूट पकड़ चुका है। जैसे ही एडियल रूट पकड़ेगा तो अब हमें देखना है कि वेलोसिटी का आपका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये चीज नहीं कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो फॉर्मूला जानते हैं उसी में हम लोग v रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू टाइम करते हैं, है कि नहीं, v रिलेटिव v इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या, u प्लस एटी, है ना, तो v रिलेटिव जो हो जाएगा सो u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। अब देखो कि a रिलेटिव क्या होगा, ये तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का है सो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ही आ रहा है, दोनों बॉडी जो प्रोजेक्टाइल है हवा में होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 सेकेंड के बाद 1/10 सेकेंड के बाद v रिलेटिव जो होगा सो u रिलेटिव के ही बराबर होगा। यू डोंट हैव टू इवन कैलकुलेट दैट थिंग, क्यों, क्योंकि हमारा a रिलेटिव तो यहाँ पे जीरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज तुम यहाँ से कुछ 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 करते रहोगे फिर आंसर को आंसर कुछ गलत आ जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ से आप कर सकते हो कि 0.1/10 सेकेंड से लेकर पाई बाई 3 सेकेंड तक इसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर इसका निकाले, फिर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, अदरवाइज जो स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन है, जो स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन हमारा ये कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो हम जानते हैं, तो v रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू टाइम। अब a रिलेटिव क्या है हमारा, यहाँ पे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारा दोनों प्रोजेक्टाइल हवा में ही है दोनों। ठीक है, तो a रिलेटिव जीरो हो गया, तो v रिलेटिव बस हमें इसी इंस्टेंट पे निकाल लेना होगा, इस सदा के लिए हो जाएगा, अदरवाइज जब तक कि वो कुछ कोलिजन वगैरह ना कर जाए, है ना, कोलिजन नहीं कराना है, तो हमें मान के चलना है कि जो इनिशियल
जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही होगा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते, इसका भी कंसेप्ट है, जस्ट इसका वेलोसिटी को पलट दो, इसका वेलोसिटी को क्या कर दो पलट दो, माइनस कर दो, इसके साथ क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने में हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका वेलोसिटी कितना था, 5π/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे नीचे ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 5π/2 हो गया, इसका इस डायरेक्शन में है 5π/2, तो इसका हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे 5π/2, बस ये माइनस हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका निगेटिव वाला चीज हम लोग इधर पकड़ लिए है ना। अब क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दो, इन दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दोगे आप, इन दोनों वेलोसिटी को अगर आप ऐड कर दोगे तो 5π/2 - 1 ऊपर है और नीचे है 5π/2 है ना, तो कितना ज्यादा है नीचे में, 1 ज्यादा है कि नहीं, ये -1 है, ये 5π/2 + 0 है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे ये वाला ज्यादा होगा, तो मतलब नीचे में 1 यूनिट है ना, और इधर कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है 5π/2 और इधर 5π/2 मतलब 5π हो गया है ना। अब इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप जो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है आपका किस में, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वहां से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कितना हो जाएगा 25π² + 1 हो जाएगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वी रिलेटिव का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका टी वाला आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा टी वाला आ जाएगा, तो इसका आंसर टी वाला आ जाएगा। तो हम देख चुके थे कि फर्स्ट का आंसर कितना आया था आपका √2 आया था, फर्स्ट का आंसर कितना आया था बच्चे √2 आया था, फर्स्ट का आंसर √2 आया था, और फिर सेकेंड का जो आंसर है हमारा, सेकेंड का आंसर जो है सो टी हो जाएगा, सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा समझा विचारा सोचा पोस्टमार्टम किया सारा कुछ देखा कंसेप्ट को समझा, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होता है, वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टाइम कैसे लगाते हैं, उसके बाद है सो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का माइनस कैसे करते हैं, उसका फिर वेक्टर सम कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सारा कंसेप्ट जो भी आपने पढ़ा है फिजिक्स में सब कुछ इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार बनाकर देखना और फिर देखना आपका इम्प्रूवमेंट कितने स्पीड से और आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और नए नए तरह के जो चीजें हैं जितना चीज आप पढ़े हो उसी से सॉल्व कर पाओगे, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये मटेरियल वो मटेरियल नहीं करना है, जो आपका आईआईटी जेईई एडवांस का जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छा खजाना है आपके लिए, इतना बढ़िया खजाना है किसी और दूसरे खजाने की आपको जरूरत नहीं है, ये बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे हो 16 साल भी आपका एज नहीं होता है, 15 साल होता है, 14 साल किसी किसी का, 16 साल भी हो किसी का, हो सकता है 17 साल हो, तो आपको इस एज में बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी स्टेप्स आपके पास प्रेजेंट है उन्हीं के क्वेश्चंस को आप करिए, जो एडवांस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बच्चा एक एक क्वेश्चन टिप्स पे कर लेगा वो रैंक 1 to 50 के भीतर में लेकर आएगा, ये मैं ठोक बजा के आज बोल के जा रहा हूँ, ठीक है। 1 to 50 में अगर आपको आना है आईआईटी में, आपको रैंक 1 to 50 में आना है, जेई एडवांस का एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स में होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नचते रहना चाहिए, फिर देखना कि आपका सिलेक्शन कैसे बहुत ही अच्छे रैंक से होगा। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एसएचएम का आ गया, अब ये भी बहुत ही बढ़िया बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे जेईई एडवांस 2022 का लगा है, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट्स को आपको पूछ लिया। दो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ए एंड बी मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग एज एक्स ए की जो वैल्यू है, एक्स ए की जो वैल्यू है इट इज गिवन टू बी एक्स नॉट साइन t/t0 है ना, और एक्स बी की जो वैल्यू है सो इट इज गिवन टू बी एक्स नॉट साइन t/t0 + π/2। ओके, स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट की वैल्यू 1 लीजिए, t नॉट की वैल्यू 1 सेकेंड लीजिए, तो आपको बताना है कि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वही बात पूछ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी, हर जगह सारे चारों क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का बात किया, एक में सर्कुलर मोशन बात कर लिया, एक में प्रोजेक्टाइल बात कर लिया, एक में अभी SHM बात कर रहा है, फिर एक में सर्कुलर मोशन बात करेगा, है ना। अब देखो कि ये किस चीज का इक्वेशन है। अब आप पढ़े हो इस चीज को, एकदम पढ़े हो, कहीं हो ही नहीं सकता कि आप नहीं पढ़े। अगर आप 23 के अगर आप एस्पिरेंट है, जो बच्चे नए हैं वो नहीं पढ़े होंगे, तो उनको हम लोग क्लास ले रहे हैं, करा रहे हैं चीज, ठीक है। एक्से का वैल्यू दिया हुआ है, तो XT इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। जो बच्चे मेच्योर्ड बच्चे हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे, जो 12वीं में जा चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और ये बात इनको पता भी होगा और अप्रिसिएट भी कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये किसी का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ SHM है, इक्वेशन ऑफ SHM है ना। SHM क्या होता है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या होता है भाई, फाई क्या होता है, फेज होता है ना, फेज। फाई नॉट जो है सो इनिशियल फेज बोलेंगे इसको, इनिशियल फेज बोलेंगे, ठीक है। ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है ना। और एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आता है, आप लोग को पता होगा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² - x² है ना। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a² - x² ए इज द व्हाट, ए क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। जो बच्चे नहीं पता है सब चीज नोट कर लो, काम का चीज है, ठीक है। बस इतना कहानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, साथ में फेजर डायग्राम करेंगे। फेजर डायग्राम भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर आप कॉल कीजिए, अगर इस बार एग्जाम देना है ये सब चीज में नहीं आता है तो जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, हम लोग आपको कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, लेकिन जो बच्चे अभी 2024 के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो निपुण बैच ज्वाइन करें। जिनको 25 वाला देना है, वो जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स 2 साल का है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पर्पस क्या है ये सारे चीज का, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जेई एडवांस में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो आपका आता है उसी से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ए की वैल्यू दे रखी है ये, तो इन दोनों ऑसिलेटर में कॉमन बात क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है भैया, सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, सेम है। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा कितना है दोनों का, 1/T0 ही है, ठीक है, सेम है। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। एक का फेज π/2 है, एक का फेज 0 है, एक का फेज क्या है, 0 है, इनिशियल फेज है, 0 हो गया उसका। तो अब देखो भाई, अब आप देखो कि इसका अगर फेजर अगर हम प्लॉट कर दे, इसका अगर हम फेजर को प्लॉट कर दे तो क्या होने वाला है, कुछ ऐसा हंगामा नहीं हो जाएगा क्या, अगर हम इसका फेजर को प्लॉट कर दे, फेजर डायग्राम इसका हम अगर बना दे, इसका अगर हम फेजर डायग्राम को प्लॉट कर दे तो क्या होने वाला है, फेजर डायग्राम को प्लॉट कर देंगे तो क्या होने वाला है। एक्स ए इज इक्वल टू था हमारा एक्स नॉट, एक्स बी था एक्स नॉट साइन t/t0 प्लस π/2 था, और एक्स ए था एक्स नॉट साइन t/t0 प्लस 0। तो इनिशियली जो बॉडी जो होगा हमारा ए वाला पार्टिकल होगा, तो कहाँ होगा, यहां होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होता है हमारा, मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बी पॉइंट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा। बी क्यों वहां पहुंच रहा है, क्योंकि यहां से ये π/2 एंगल पे बना रहा है। तो बी इनिशियली कहां बैठा हुआ है, बी इनिशियली कहां बैठा हुआ है, तो बी यहां पे बैठा हुआ है। तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज में अगर देखेंगे, सर्कुलर मोशन में देखेंगे, तो यहां पे ये बी यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो बात करता है कि एक्स नॉट अगर 1 है, टी नॉट अगर 1 है, तो टी नॉट अगर 1 है हमारा, अगर टी नॉट अगर हमारा 1 है, इफ टी नॉट इज इक्वल टू 1, तो 1/T0 भी तो सर 1 ही होगा। तो 1/T0 क्या है, ओमेगा है, ओमेगा तो 1 हो गया।
तो टाइम पीरियड कितना होता है सर? 2π/ω होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2π हो गया, खत्म। टाइम पीरियड कितना होगा? 2π सेकेंड होगा, ठीक है, 2π सेकेंड होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना सेकेंड बाद। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इनिशियल क्वेश्चन जो था हमारा, इनिशियल जो क्वेश्चन था, इनिशियल जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, π/3 सेकेंड पे हमें बात करने के लिए बोल रहा है, π/3 सेकेंड पे हमें बात करने के लिए बोल रहा है। तो π/3 सेकेंड पर कितना डिग्री ये एंगल ए पहुंच जाएगा? ए कहाँ पहुंचेगा? π/3 सेकेंड पर, π/3 सेकेंड पर कहाँ पहुंचेगा? तो ये π/2 एंगल बना लेगा। ये ए जो है सो ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा, π/3 पहुंच जाएगा, है ना? क्योंकि तो इसका टाइम पीरियड ही इसका 2π है। तो 2π रेडियन 2π सेकेंड में जाएगा, 1 रेडियन 1 सेकेंड में जाएगा, तो π/3 रेडियन π/3 सेकेंड में। एक एक नियम यूनिटरी मेथड लगाते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब ये π/3 सेकेंड जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस को मूव करेगा? कितना डिस्टेंस मूव करेगा सर? यहां से यहां तक 1 है। 1 कैसे है? क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू भी जो है सो हमारा 1 दे रखा है क्वेश्चन में, है ना? ये 1 है, ये π/3 है, मतलब 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? दिस डिस्टेंस विल बी √3, है ना? कैसे होगा ये? √3/2 हो जाएगा ये, ओके। क्योंकि यहां से यहां तक हो जाएगा 1/2, और ये वाला चीज हो जाएगा आपका √3/2। तो √3/2 पोजीशन पर, √3/2 पोजीशन पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी आप यहां पे निकाल सकते हो, वी ए जो हो जाएगा सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/2 है का स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा ये। इसका मतलब 4 में से 1 गया, तो 1 में से 3/4 गया 1/4, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2 आ गया। इसका वेलोसिटी कितना आ गया? 1/2 आया है। इसका वेलोसिटी कितना आया बच्चे? 1/2 आया है। 1/2 डायरेक्शन इसका क्या होगा? अब इसका डायरेक्शन SHM के तौर पे आप अगर देखना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन जो है सो ऊपर की तरफ होगा, है ना? फेज में क्या है ये? ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रहा है, इस पॉइंट पे क्या है? इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ चलेगा। ये बी जो पॉइंट, ब्लू वाला जो पॉइंट बैठा हुआ है ऊपर में, ये कितना एंगल जाएगा? ये भी तो साथ साथ चलेगा, तो ये भी आपको यहां से यहां तक π/3 डिग्री पहुंच जाएगा, है ना? मतलब 60 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री हो गया। तो ये मीन पोजीशन से कितना पोजीशन दूरी पर होगा? ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा? ये तो 1 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 होगा। ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 1/2 होगा हमारा, जब ये 1/2 होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी बी जो आ जाएगी सो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/4 अंडर रूट ऑफ, मतलब √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी किधर होगा? तो ये क्या कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से लौट रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो बी की जो वेलोसिटी होगी सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ए की जो वेलोसिटी होगी सो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना? बी का वेलोसिटी कितना है? √3/2 होगा, है ना? क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम से आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ फेजर वाला का मामला है। तो वी ए बी कितना हो जाएगा? वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए बी अगर हमें निकालना है, मतलब वी ए माइनस वी बी, है ना? तो वी ए का वेलोसिटी किधर है? ए वाला का ऊपर है। कितना ऊपर? कितना ऊपर? 1/2। और इसका कितना नीचे? कितना? √3/2। तो पलटोगे, माइनस भी करोगे तो वो भी ऊपर चल जाएगा, तो मतलब +√3/2, है ना? +√3/2 मतलब 1+√3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1+√3/2 आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, पी वाला जो आंसर हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था?
ये सी करेक्ट था, तो थर्ड का पी आ गया, फोर्थ का आर आना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने देखा एसएचएम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना था हमें, फेजर डायग्राम पे स्टडी करना था। फेजर डायग्राम जिसको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन ढंग से कर पाएगा, अदरवाइज तो फिर दिक्कत है ना। फेजर डायग्राम एसएचएम में करना जरूरी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट पे बनते हैं। बॉल दे देगा, ओमेगा अलग अलग दे देगा और इनिशियल फाई अलग अलग दे देगा, अब बोलेगा कब मिलेगा, टाइम निकालो। इस लेवल पर पहुंचने के लिए बेसिक आपका एकदम टनाटन होना चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है, तो आप आईआईटी फैक्ट्री ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए आपका कैसे इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है। आईआईटी तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपको ढंग का गाइडेंस मिले, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिले और आपको बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में एक फोकस तैयारी कराया जाए। नाच गाने से आईआईटी नहीं होगा, हवाबाजी से भी आईआईटी नहीं होगा। बार बार बोलता हूँ आईआईटी जाना है, मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल ए है, रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, रेडियस 1 है। ए पार्टिकल जो है हमारा, ए पार्टिकल जो है, ए पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, ए जो पार्टिकल है सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है मस्ती से, है ना। ये सर्कुलर ट्रैक है, ए पार्टिकल इसी पे मूव कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 रेडियन पर सेकेंड से, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, ओमेगा आर। पार्टिकल बी जो कहता है मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल जो बी है हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, तो अब बताइए कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। अब किसी भी टाइम में निकालेंगे सेम ही आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे। अब इसका प्लेन क्या है, इसका प्लेन क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। लेट अस सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को आप ऐसे बना दो, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है हमारा एक्स क्रॉस वाई जेड एक्सिस है ना, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में ये प्लेट रखा हुआ है, चाहे आप बोल सकते हो कि सर्कुलर ट्रैक है जिस पर पार्टिकल घूम रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर जा रहा है पॉइंट, और ये जो है सर्कुलर ट्रैक पे है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप जानते हैं वी रिलेटिव क्या होता है, या वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी होता है ना। तो वी ए कितना है, अगर आप इस पार्टिकल को ए बोलते हैं, ए कौन सा है, ए रोटेट कर रहा है तो ए वाला पार्टिकल है, तो किसी भी इंस्टेंट पे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा आर होगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना इसके, कोई भी इस प्लेन में, ये जो सर्कुलर प्लेट है इसके प्लेन में कोई भी लाइन अगर आप लेते हो, कोई भी लाइन लेते हो, तो उसके तो परपेंडिकुलर ही होगा ये 3 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि इसके ऑर्थोगोनल है, जेड डायरेक्शन में है वो। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9, मतलब अंडर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर वाला, ठीक है। तो फोर्थ का आप देख सकते हो आर हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ्स द कॉलम का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। एसएचएम का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका प्रोजेक्टाइल का ये अच्छा क्वेश्चन था, सर्कुलर मोशन वाला भी ठीक था। तो मैथ्स द कॉलम कभी भी क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मैथ्स द कॉलम हर पेपर में आपको आएंगे, तो कोशिश करना कुछ क्वेश्चन आप फिजिक्स के बनाने के बाद मैथ्स द कॉलम को ट्राई करने का। कोई भी एक दो पॉइंट भी अगर आप आंसर निकालते हो तो ऑप्शन एलिमिनेट होने का बहुत चांसेस होता है। दो अगर सॉल्व कर दिए पूरा मैथ्स द कॉलम सही हो गया, तो ये बड़ा अच्छा चीज होता है इसमें, है ना। तो थोड़ा फोकस करके आप ऐसे कीजिए। अगर आप जेई 2024 के एस्पिरेंट है, 2025 के एस्पिरेंट है, तो हमारे कोर्सेज 24 के लिए भी शुरू हो गए हैं और 25 के लिए फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गए हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आईटी फैक्ट्री का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।
हम